आज के टॉपिक की शुरुआत होगी बाबू अनुवांशिक विकार। विकार का मतलब होता है रोग। हमारे अंदर जो जीन उपस्थित हैं, जो गुणसूत्र उपस्थित हैं, उसके परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक रोग। और ये रोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता रहता है, इसलिए इसको हम लोग अनुवांशिक रोग कहते हैं, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। जो अनुवांशिक रोग होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेंडलीय विकार और एक होता है गुणसूत्रीय विकार। कल आपने देखा था कि जब शरीर के अंदर माने हमारे अंदर जो जीन होते हैं, जीन में परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, जो जीन में माने परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, हम उसको कौन सा रोग कहते हैं? मेंडलीय विकार कहते हैं। और अगर शरीर में उपस्थित गुणसूत्र में जब परिवर्तन होता है तो गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको गुणसूत्रीय रोग कहते हैं। दोनों रोग के बारे में आपने जाना। जीन में जब परिवर्तन होगा तब जो रोग उत्पन्न होता है तो उसको मेंडलीय रोग कहते हैं, याद है ना। और गुणसूत्रीय विकार का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, जिसकी संख्या 46 होती है, जिसके जोड़ा की बात करेंगे तो 23 जोड़ा होता है, उस गुणसूत्र में जब परिवर्तन होता है तब जो रोग उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग कौन सा रोग कहते हैं? गुणसूत्रीय विकार, यानी गुणसूत्र में परिवर्तन कर रही है रोग होता है। कल आप मेंडलीय विकार के बारे में जब बातें हम लोग किए थे तो आपने कहा था कि सर मेंडलीय विकार में बहुत सारे रोग होते हैं, हीमोफीलिया भी लिखे थे, वरणता भी लिखे थे, दात्र कोशिका रक्तता भी लिखे थे, फिनाइल कीटोनेरिया भी लिखे थे, थैलेसीमिया भी आप लिखे थे, तमाम प्रकार के रोग के बारे में आपने क्या किया था, लिखा था, ठीक है। आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले हीमोफीलिया के बारे में बात करेंगे। आप जानते होंगे हीमोफीलिया जो होता है ये मेंडलीय विकार के श्रेणी में आता है, यानी जीन में परिवर्तन के कारण ये रोग होता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में रोग जाता रहता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कहीं शरीर पर कटने पर रक्त थका नहीं बनता है तथा रक्त शरीर से बाहर निकलता रहता है। इस रोग के जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है और खासतौर से हीमोफीलिया जो रोग होता है वह एक्स गुणसूत्र पर इसके जीन उपस्थित रहते हैं। यदि स्त्री इस रोग से ग्रसित है तो गर्भ में भी बच्चा क्या हो सकता है? मर सकता है। और यह केवल रोग का वाहक होती है, स्त्रियाँ जो होती है रोग के क्या होती है? वाहक होती है। तो याद हुआ हीमोफीलिया के बारे में, माने हीमोफीलिया एक ऐसा रोग होता है ना जिसमें कहीं रक्त जो होता है थक्का नहीं बनता है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, क्योंकि रक्त जब थक्का नहीं बनेगा तो कहीं कट जाता है तो रक्त हमेशा बाहर निकलता रहता है, जिसके कारण शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और इस रोग को हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया रोग। और ये जो रोग होता है जीन में परिवर्तन के कारण ये रोग उत्पन्न होता है जो शरीर को बहुत हानि पहुँचाता है, ठीक है। कुछ बातें आपको मैं शेयर कराना चाहता हूँ यहाँ पर। तो देखो आज बात की है किसकी? हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया जो रोग होता है रक्त क्या करता है? थक्का नहीं बनता, माने रक्त का इसमें थक्का का होता है नहीं बनता है, रक्त जो होता है थक्का नहीं बनता है, आपको याद भी होगा। कट जाने के बाद रक्त का होता है बाहर निकलते रहता है, जिसके शरीर में रक्त की क्या होती है? कमी हो जाती है। अब इसमें अगर मैं बात करूं किसी सामान्य पुरुष के बात करूं तो सामान्य पुरुष के लिए आप क्या लिखते हैं, याद है? एक्स वाई लिखते हैं, माने सामान्य पुरुष में जो गुणसूत्र पाया जाता है, जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स वाई होता है। सामान्य स्त्री के बात आपको याद होगा कि अगर सामान्य होता है ना, सामान्य स्त्री हुई, सामान्य भी पुरुष स्त्री हुई तो सामान्य स्त्री के लिए क्या होता है? एक्स एक्स होता है, ठीक है। बाहक अगर स्त्री है, बाहक अगर स्त्री है तो क्या होगी? वह एक्स। पर अगर देखिए हेमोफिलिया है तो एच लिख सकते हैं ना, आयोग एक्स रहेगा आपका। और अगर ग्रसित माने हेमोफिलिया से ग्रसित अगर स्त्री है तब इसके लिए क्या लिखते हैं? एक्स के ऊपर एच और फिर एक्स के ऊपर एच लिख सकते हैं। और अगर पुरुष का अगर होता है, किसको होता है? ये पुरुष को, हालांकि पुरुष को होता नहीं है, समान पुरुष ही होता है इसमें, लेकिन अगर जबरोग ग्रस्त पुरुष अगर रह जाए, हाँ चलिए मान लीजिए, लेकिन बाहक पुरुष नहीं हो सकता है, ये एक्स वे उसमें पाया जाता है, रोग ग्रस्त पुरुष है तो एक्स के ऊपर क्या लिख सकते हैं? एच इंटू एक्स ए वाई, वाई लिखे, पुरुष है तो वाई तो होना ही चाहिए। चार बातें आपको याद होनी चाहिए। समान पुरुष है तो उसका लिंग गुणसूत्र एक्स वाई, अगर आपके समान स्त्री है तो उसके लिंग गुणसूत्र के क्या होता है? एक्स एक्स। बाहक अगर स्त्री है तो इसके एक्स के ऊपर एच है एक्स, ग्रसित अगर स्त्री है तो एक्स के ऊपर एच, एक्स के ऊपर एच, ग्रसित अगर है रोग ग्रसित है तो यही आपका पुरुष, अगर है रोग ग्रसित या पुरुष लिख लेना, अगर है तो इसके लिए क्या होता है? एक्स के ऊपर एच इंटू वाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि यदि सामान्य पुरुष का विवाह
सामान्य पुरुष का विवाह, ठीक है, बाहक स्त्री के साथ हो, बाहक स्त्री के साथ हो, तो इसके संतान जो उत्पन्न होंगे किस प्रकार के होंगे? देखो, अगर मान लो कि कोई पुरुष है उसको हिमोफिलिया रोग नहीं है, जबकि जो स्त्री है, स्त्री उसका बाहक है, माने बाहक का मतलब होता है कि एक ही एक्स पर यच उपस्थित है। बहुत ध्यान से समझना, दोनों पर नहीं है, एक ही एक्स पर यच उपस्थित है, तो जो इसके संतान होंगे किस तरीके होंगे वो आपको बताना है। तो चलिए, जब बताएंगे आप, तो पहले सामान्य पुरुष के लिए लिखा गया, देखिए सामान्य पुरुष के लिए क्या लिखते हैं, एक्स वाई। सामान्य पुरुष के लिए क्या लिखते हैं, एक्स वाई। समान यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से, सामान्य पुरुष, ठीक है, सामान्य पुरुष। यहाँ क्या लिखेंगे आप, बाहक स्त्री। समान पुरुष के लिए क्या लिखेंगे आप, समान पुरुष के लिए क्या लिखेंगे, एक्स वाई। इसके लिए क्या लिखेंगे, एक्स पर यच वाई, एक्स पर तरीके जाया करें। चलिए, अब जो होगा जनन, क्या होगा जनन। जब जनन होगा, देखिए पहले एक काम करिए ना, इसको अलग अलग कर लीजिए, ये अलग हो जाते हैं ना, एक्स वाई जो होंगे अलग हो जाएंगे, ये भी अलग हो जाएंगे, दोनों दोनों माने एक साथ दिखा दीजिए कि यहाँ पर एक्स पर यच आ जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, दोनों में जनन होगा। चलो ये टच कर गया इस टच इससे, तो एक्स एक्स के ऊपर यच आ गया, फिर ये टच किया इससे तो क्या होगा, एक्स एक्स आ गया, फिर ये टच किया इससे तो एक्स के ऊपर यच वाई आ गया, फिर टच किया इसे तो एक्स वाई आपका आ गया। अब जरा देख के बताइए मुझे कि इसमें किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, मैंने कैसे इसमें आपको जनक दिखाई दे रहा है। लड़की अतनी स्विच बंद कर दो उसका, तो यहाँ पर नीचे वाला। चलिए, तो सामान्य पुरुष, अब जब सामान्य पुरुष का विवाह बाहक स्त्री के साथ हुआ तो किस तरीके से आपको दिखाई देंगे। देखिए, जब जनन माने जब जनन होगा, तो जब सामान्य पुरुष होगा तो देखो उसमें एक जो लड़की पैदा होगी वह बाहक होगी, ये लड़की ना पैदा होगी, तो देखो एक एक्स पर एच है, एक पर नहीं है, अगर एक पर है तो बाहके लिखते हैं हम लोग, तो बाहक लड़की हुई है, इसको बाहक लड़की हम लोग कहेंगे। ये कैसा हुआ है, सामान्य सामान्य पुत्री कहेंगे आप इसको, या सामान्य लड़की कहेंगे, क्योंकि किसी के ऊपर यच उपस्थित नहीं है। ये क्या होगा, नहीं बाहक ग्रसित, ये एक्स होता है उसमें, ये ग्रसित का हो जाएगा लड़का, ग्रसित लड़का कहेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, सामान्य लड़का, माने अगर माने हस्बैंड को कुछ नहीं है, अगर पत्नी के ऊपर खाली बाहक अगर है वो सब लिखा जाता है, तो एगो बच्चा नॉर्मल होगा, एगो लड़की नॉर्मल होगी। अब इसका कौन जाकर टच करता है, स्त्री का जो ये देख रहे हो, ये जाकर किससे टच करता है, पुरुष का जाकर, अगर एक्स पर यस से टच कर गया तब तो भाई गठन, तब तो हो जाएगा। देखो, अगर अनुवांशिक नहीं होता ये, तो इसके बच्चे में ही नहीं आता, लेकिन बच्चा में आ रहा है, देख रहे हैं ना, एक लड़का समान हो रहा है तो एक लड़का पर आ जा रहा है गुणसूत्र, एक लड़की समान हो रही है तो एक लड़की पा जाती है, बात समझे। अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो बता दोगे सब लोग कि एक सामान्य पुरुष का विवाह बाहक स्त्री के साथ किया जाता है तो उसके संतान किस प्रकार उत्पन्न होंगे। अब आइए, एक सामान्य, सुनो ध्यान से, एक सामान्य पुरुष का विवाह, एक सामान्य पुरुष का विवाह, एक सामान्य पुरुष का विवाह अब किसके साथ कराएंगे आप, ग्रसित स्त्री के साथ कराएंगे, ग्रसित स्त्री के साथ कराएंगे, एक सामान्य पुरुष का विवाह ग्रसित स्त्री के साथ। तो चलो, ये सामान्य पुरुष, यहाँ पर सामान्य पुरुष की बात होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रसित माने रोग से ग्रसित स्त्री की बात होगी। बोलो कोई दिक्कत है, सामान्य पुरुष के लिए एक्स वाई, ग्रसित के लिए एक्स के ऊपर भी एच रहेगा, इसके ऊपर भी एच रहेगा। चलिए, कॉन्टेक्ट कराइए इसको, कॉन्टेक्ट कराइए, कॉन्टेक्ट करा दिए, कॉन्टेक्ट करा दिए, कॉन्टेक्ट माने होता है ना संयोजन। चलिए, तो क्या होगा आपका, यहाँ पर एक्स एक्स के ऊपर एच बन गया, इसका कॉन्टेक्ट इसके साथ हुआ तो एक्स एक्स के ऊपर एच बन गया, इसके साथ ये हुआ तो एक्स एच वाई बन गया, इसके साथ हो गया अगर एक्स वाई एच इंटू वाई बन गया। यानी इससे आपने क्या कहा कि बाहक स्त्री, बाहक बाहक पुत्री, बाहक पुत्री, और ग्रसित पुत्र, ग्रसित पुत्र, पूरा खानदान आपका इसी के चपेट में आ जाएगा। किसके चपेट में, पूरा खानदान आ जाएगा किसके चपेट में, हाँ हिमोफिलिया के चपेट में आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि जैसे जैसे क्वेश्चन करेगा वैसे वैसे विवाह करा करके आप जनन करवा लीजिएगा, मैंने करवा के लिए मैंने करा दीजिएगा, आज जो लड़का लड़की होगा उसको दिखा दीजिएगा, बात समझ रहे हैं। तो बता दोगे कोई दिक्कत है क्या इसमें, हिमोफिलिया में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हिमोफिलिया के बाद आपका एक और आता है जिसका नाम होता है, याद होगा आप सभी को, वारंधता, कलर ब्लाइंडनेस होता है। देखिए यह भी एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है बाबू, वरंता भी एक प्रकार के
अनुवांशिक रोग होता है, समझ रहे हैं बात को, और इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो रंगों का पहचान नहीं कर पाता है, कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है अंग्रेजी में इसको। हम मिटा दे रहे हैं सब, बड़नता के पास हम चल रहे हैं, ठीक है। आइए, आज की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी है, सब आपको याद होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या होगा? वरंधता। क्या नाम होगा? वरंधता। चलिए अंग्रेजी में कहते हैं इसको कलर, कलर, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। ये क्या होता है ना, वरंधता जो रोग होता है एक प्रकार का बड़ी खतरनाक रोग होता है बाबू, ठीक है। जो सिपाही वगैरह देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं उसके यही जाँच की जाती है, ठीक है। तो वरंधता से जो रोग, वरंधता से जिस व्यक्ति को रोग अगर हुआ है तो वह व्यक्ति जो होता है हरे और लाल रंग का सही सही पहचान नहीं कर पाता है, पहचानने में उसको कठिनाई होती है। तो पहचान कराने के लिए हरा उसको, हालांकि यह अनुवांशिक होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, और यह रोग कभी ठीक हो नहीं सकता है, यह रोग ठीक नहीं हो सकता है। इसमें भी वही कंडीशन होती है कि अगर मान ली समान पुरुष है तो एक्स वाई, समान स्त्री है तो एक्स एक्स, और अगर बाहक स्त्री है तो एक्स के ऊपर सी आ जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस है। ग्रसित अगर स्त्री है तो जहाँ जहाँ यह चाहे तहाँ तहाँ सी आ जाएगा, रोग ग्रसित अगर पुरुष है तो वहाँ पर एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा? सी। वाई पर यह गुणसूत्र नहीं पाया जाता, माने वाई पर जो ये जीन कहिएगा जो सी वगैरह है वो क्या होता है, नहीं पाया जाता। अब वही विवाह वाह करा करके जनन करा दिए हो जाएगा। कोई पूछ जाएगा कि जब समान, मान लीजिए कोई कह दिया कि समान कोई पुरुष है उसको कोई रोग नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य तरीके से जिससे वो मोहब्बत करता था, जिन पर अपनी जान लुटाता था, जिन पर कहता था कि तुम ले लो, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाप अगर मर जाता तो मैं खेत तुम्हारे नाम से लिखता, अपना खेत पर अपना नाम नहीं चढ़ाता, अगर तुम मेरे बाप नहीं होता तो आज मैं अपना खेत अपना घर तुम्हारे नाम में लिख देता, पूरा सब कुछ जायदाद तुम्हारे नाम में लिख देता, जिस पर आप जान लुटाते हैं। अगर उस लड़की का अगर रोग ग्रसित है तो कहा आपके खानदानों का देख लीजिएगा, रोग ग्रसित अगर स्त्री है जिसे मोहब्बत करते हैं तो अगर जिस पर जान वगैरह सब लुटाने की कोशिश करते हैं, तुम कह दो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नदी में कूद कर तैर भी सकता हूँ, डूब भी सकता हूँ, जो तुम्हारी इच्छा है। चलिए, तो समान पुरुषों का तो एक्स वाई, रोग ग्रसित अगर स्त्री से, रोग ग्रसित अगर स्त्री है तो इसके लिए आपका होता है, याद करो एक्स के ऊपर भी सी आ, एक्स के ऊपर भी सी, तो बड़ा गजन है। तो देखिए आपके खानदान को एकदम समझिए कि तहस नहस कर देगी, आपके ज़िंदगी को भी वो तहस नहस कर देगी। आपके बच्चे जो होंगे ताकेंगे, पापा भाई हरा बा कि लाल बा, बताओ ना, बताओ ना। तो चलिए, तो इसका इसका कांटेक्ट कराएंगे तो एक्स एक्स बसी जन्मजात होता है, धरती बनो ऊपर ही बतना ही होगा, ये अनुवांशिक होता है। हो सकता है कि आपके आपके पापा के बाबा के बाबा के बाप के थे तभी आ सकता है आपका, ये समझा? हाँ, बाबा के बाप के भी हो सकता है, अनुवांशिक है ना। अरे इसका कब जरूरत आता है, कब मालूम है? कब, जब कोनो नौकरी वोकरी में जाएंगे, जब जांच पड़ताल होता है तब पता चलता है। यहाँ सबको कहा किया ठीक बा, जांच होता है तब ना देखते, कोई जाता है कहा जाता है उसका कलर विजन सही नहीं था, उसको छाँट दिया गया, कलर विजन उसका सही नहीं था, छाँट दिया गया। तो आर्मी वगैरह में जब आदमी जाता है ना तब होता है, उसमें जाँच किया जाता है। मान लो कोई जा रहा है, अब ट्रेन का ड्राइवर बना दो उसको, ठीक है, आ कोई उसको लाल झंडा दिखा रहा है, कह रहा है हरियर रोक देगा, रुक दो रुक दो रुक दो, और उसको जाना है हरियर दिखा दिया तो गजने हो गया, हरियर दिखा देता है कि चालू करो चालू करो, उसको लगे लाल दिखा रहा है, कह रहा अभी 2 घंटा और ही वेट करना पड़ेगा, तो दिक्कत होती है, समझ रहे हो ना। मान लीजिए सब लोग या रोडे पर जन्मदिन मना रहे हैं सब, मान लीजिए किसी का, ठीक है, आ वो लाल दिखा रहा है कि मैं नहीं चलाना, उसको लग जाए चलो हरियर का दिखा रहा है कार, पूरा उसी पर चहल कर ऐसा हुआ भी था, चलता हुआ चला जाएगा ट्रेन आपका। चलिए, विवाह कराइए, विवाह तो करा दिया आप, मंत्र भी पढ़ लिया आप, अब तो जनन करा लीजिए, जनन कर लीजिए कराइए कराइए। देखिए आपके खानदाने को बदल दिया, क्या किया उसने, खानदाने को बदल दिया, जिसे मोहब्बत करते थे उसको निकले कहा चाहिए रोग रसीद, और कहा हुआ देखो कल आपके लड़कियाँ भी होगी ना, लड़कियाँ तो बाहक हो जाएगी आपके लड़कियाँ, लेकिन दोनों लड़कवा जन होंगे, दो गो चार गो तो मान लीजिए दो गो जन लड़कवा होंगे, वो के ग्रसित हो जाएगा, वो तो ग्रसित हो जाएगा, अब ओकरो लड़का जब पैदा होगा तो ग्रसित होगा, बड़ा गजन है, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए जांच पड़ताल करके तब शादी ब्याह के चक्कर में पड़िएगा आप लोग। आइए, दात्र कोशिका अरक्तता के नाम सुने का, ये रक्त संबंधी बीमारी होती है, ये अनुवांशिक होती है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करती है, जाती है, बात समझ रहे हैं ना। जिस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के, देखो देखो पहले समझो, अब आप मिटा रहे हैं इसको, लेकिन सब आपको याद होना चाहिए, उसी में आपके पॉइंट जो भी बनेंगे
जैसे बनेंगे वैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर लिख करके बता सकते हैं आप। देखिए दात्र कोशिका अरक्तता, दात कोशिका अरक्तता। चलिए अच्छा ये क्या होता है ना अरक्तता, अरक्तता का मतलब हुआ ना रक्तता, माने रक्त से संबंधी बीमारी आपकी है। और देखो जब किसी व्यक्ति को ये रोग होता है, सुनो जब किसी व्यक्ति को ये दात्र कोशिका अरक्तता रोग होता है तो उस व्यक्ति में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है, सब लोग याद करो किसकी कम, लाल रक्त RBC कहते हैं इसको, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है कम हो जाती है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है कम हो जाती है, कब, जब ये रोग होता है। और सुनो और एक बात सुनो, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा भी क्या होती है कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी क्या होती है कम होती है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को ये रोग होता है कौन, दात्र कोशिका रक्तता है, चिन्ह संबंधी रोग है, जब किसी व्यक्ति को ये रोग होता है तो उसके शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है। और देखो लाल रक्त कणिकाओं में प्लेटलेट्स की भी मात्रा 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए, जिसके शरीर में 2 लाख से कम होता है उसके शरीर को चक्कर आता रहता है। कितना है तुम्हारा जी रक्त प्लेटलेट्स, हाँ 4.5 लाख पाएंगे तब होंगे, चक्कर लाता रहता है इसमें, क्या समझ रहे हैं ना, लाख तो ये बात आपकी होती है, बता दें सब लोग। तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रक्त में ये सब आपका रोग होता है। चले थैलेसीमिया आ जाएंगे, बात समझ रहे हैं, थैलेसीमिया के बारे में हम लोग चलते हैं। थैलेसीमिया भी एक अनुवांशिक रोग है, यह मनुष्य में होने वाला एनीमिया रोग है, ये रक्त संबंधी रोग है। इस रोग से व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट कर लगभग आधा हो जाता है, बात समझ रहे हैं। देखिए अश्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 दिन ही रहता है तथा शरीर में थकान महसूस होने लगता है, ये बात आपको याद है। थैलेसीमिया क्या है, यह भी एक प्रकार के रक्त संबंधी बीमारी है, इसमें भी लाल रक्त कणिकाएं घट जाती है। सुन लो थैलेसीमिया, माने अनुवांशिक रोग होता है और रक्त संबंधी रोग होता है, रक्त संबंधी क्या होता है ये रोग होता है, रक्त संबंधी क्या होता है ये रोग होता है, ठीक है। और इससे शरीर में किसकी कमी हो जाती है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या इसमें भी कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी घट जाता है। तो ये जो रोग होते हैं आपके कौन से रोग होते हैं, ये जितने भी आज रोग पड़ रहे हैं हम लोग, कौन सा रोग पड़ रहे हैं, हाँ चलिए आ जाइए। तो हम लोग अब आते हैं हम लोग गुणसूत्रीय विकार के पास, किसके पास, गुणसूत्रीय विकार के पास आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं। गुणसूत्रीय विकार को समझना, याद कर लेना है, टॉप करके दिखाना है, गांव के लोग दिखाना है कि मेरे पास हुआ है जो किसी के पास नहीं है, मेरे पास इतना टैलेंट है, ये सब लोग याद करेंगे, ठीक है। कापी अभी आपके पास सही है, नहीं है कापी, नहीं बनाई है क्या, चलिए ऐसा सबको याद हुआ क्या, थैलेसीमिया क्या होता है, रक्त संबंधी बीमारी होती है शरीर में जो होता है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है, जब हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है, तो व्यक्ति को थकान महसूस होता है, व्यक्ति को काम करने का मन नहीं करता है, व्यक्ति को मन करता है दिन भर सोए रहे, व्यक्ति को मन करता है स्कूलें ना जाए, व्यक्ति को मन करता है लिखे नहीं, व्यक्ति को मन करता है होमवर्क ना करे, सब आपको देखने को मिलता है। चलिए आ जाइए गुणसूत्रीय विकार, अभी जस्ट आपको बताया गया गुणसूत्रीय विकार में, गुणसूत्रीय विकार जो होता है, पहले बैलेंस आप सही करिए अपने दिमाग के पढ़ने के लिए आए हैं तो, ठीक है। गुणसूत्रीय विकार का मतलब होता है कि गुणसूत्रीय का मतलब ये होता है कि जब गुणसूत्र हमारे शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं उसमें जब परिवर्तन हो जाता है, गुणसूत्र में जब परिवर्तन होता है तो जो रोग उत्पन्न होता है उसको गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। अच्छा बताओ कितने गुणसूत्र होते हैं, सब मिलकर बताओ कितने होते हैं, पहले समझ लो 46 होते हैं टोटल, आई जोड़ा में पाया जाता है, कैसे पाया जाता है जोड़ा में, जैसे सोचो एक्स एक्स फिर एक्स एक्स फिर एक्स एक्स फिर एक्स एक्स फिर एक्स एक्स डाई 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 एक्स वाई, यह पुरुष की बात है, यह पुरुष के गुणसूत्र की बात है। अगर स्त्री की भी बात करते ए कह रहे हैं कि पहले बैलेंस के एकदम ब्लैकबोर्ड पर ही देखो, नहीं तो पूरा ही हमारे चिलेरे का फायदा बताओ, जब तुम लोग इसको सीखोगे नहीं सुनोगे नहीं तो क्या बेनिफिट होगा, सीखो तो नहीं सीखो सीखो सीखो। चलो स्त्री का होता है एक्स 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 डैश एक्स एक्स, इस तरीके से होता है। देखो ये पहला जोड़ा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा जोड़ा की बात करें पाँचवा आएंगे आपके चलता जाता है, अगर पहला कहेंगे दूसरा कहेंगे तीसरा चौथा पाँचवा छवा सतवा आठवा नौवा दसवा ग्यारहवा बारहवा तेरहवा चौदह पंद्रह 46 तक आई कायम बताते, ई है सारा दोष यही पर डिपेंड है आपका, जितना दोष है कौन कौन दोष है, जितना सिंड्रोम वाला आएंगे ना सब गुणसूत्रीय दोष है,
जितना जैसे क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम सिंड्रोम, क्रोमोसोम सोम 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 सिंड्रोम 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 स आता सोम सोम सिंड्रोम सोम सिंड्रोम सोम सिंड्रोम सोम सिंड्रोम सोम सिंड्रोम याद करो। माने देखो सिंड्रोम इसलिए हम कह रहे हैं कि देखो थोड़ा सा ट्रिक है ना, आदमी भुला जाता है, क्या करोगे, क्या होता है ना, जैसे गुणसूत्र के नाम से गुणसूत्र का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आ सिंड्रोम सिंड्रोम तो सोम सिंड्रोम सोम सिंड्रोम सोम सिंड्रोम सोम सिंड्रोम। तो जहाँ भी माने आपके क्रोमोसोम्स आएगा तो उसमें बात होगी सिंड्रोम। अब इतने बताने के बावजूद भी कल पूछा जाए ना बताएं तो फिर कैसी जिंदगी जीने से क्या फायदा होने। आइए तो पहला हम लोग बात होगी जो कोई डाउन सिंड्रोम की बात होगी बाबू, किसकी बात होगी, डाउन सिंड्रोम की, डाउन सिंड्रोम की, डाउन सिंड्रोम की पहला रोग है। अच्छा डाउन का मतलब होता है बढ़ना, इसका विपरीत डाउन का मतलब होता है ना, ए आगे तक डाउन का मतलब होता है बढ़ना, डाउन का मतलब क्या होता है बढ़ना। देखिए डाउन सिंड्रोम विकार का खोज सबसे पहले किसने किया था याद है, का खोज किसने किया था, कौन वैज्ञानिक है, हाँ लाग डान, चलिए लाग डन ऐसा साफ लिखो जी, क्या लिखिए, डाउन नामक वैज्ञानिक ने, लाग डन डाउन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, किसने किया था, लाग डान डाउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अच्छा सुनो इसका ही नाम पर इसका रोग डाउन सिंड्रोम पड़ा है। अच्छा इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में न एक कैसवे जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, अतः इस रोग को ग्रसित व्यक्ति को गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 47। देखो मस्तक बड़ा चौड़ा हैंगा हो जाएगा, हैंगा मस्तक बहुत चौड़ा हो जाता है, कद एकदम छोटा नाटूर नाटूर अगर फैला तो हमें निकल जाएगा, निचला ओठ बहुत मोटा हो जाता है, हाँ निचला ही ओठ भाई अजनवा हाँ इतना मोट के बुझाई कि का है लालमोहन, नहीं लालमोहन का ललका लमका लालमोहन है वंगा हो जाता है आपका। त्वचा खुरदुरी हो जाती है, त्वचा कैसी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है, समझे हो, कहाँ समझे, हमने ये समझा कि डाउन सिंड्रोम, डाउन का भले नाम है डाउन, नाम है डाउन, नाम है डाउन, लेकिन बढ़ना है इसको, क्या करना है, बढ़ना है, ए कहें दिमाग बैलेंस करो। चलो तो इसमें क्या होता है, इक्कीसवा थोड़ा सा अभी मैथ वाला वेट कर, बस 2 मिनट में पढ़ा रहे हैं, इक्कीसवा जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, इक्कीसवा जोड़ा जो क्या होता है गुणसूत्र होता है, इसमें इसमें एक एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक एक्स गुणसूत्र क्या होता है बाबू, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और देखो इसका लक्षण क्या होता है, जब ये हो किसी को हो गया तो आप एक बढ़ेगा ना तो जहाँ 46 होता है क्या हो जाता है, 47 हो जाता है, जहाँ 46 होता है क्या होता है, 47। देखो पहले तो ये होता है माथा चौड़ा हो जाएगा, अगर किसी को ये हो जाता है तो माथा क्या होता है, चौड़ा जाता है, कद कैसा होता है, छोटा, देखा 47 भैया के ये कारण बा, कद कैसा होता है, छोटा हो जाता है, और ओठ नीचे वाला क्या होता है, बड़ माने बड्ढा माने मोट हो जाता है, ओठ निचला क्या होता है, मोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ये सब आपको लिख सकते हैं। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में जान गए का जी, कैसुआ में कैसुआ, देखो डाउन 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 डाउन, अच्छा चलो 21 1 1 डाउन 1 डाउन 1 डाउन, तो चलो डाउन में भी न आ रहा है, 21 में भी न आ रहा है, तो 21 का मतलब होता है कैसुआ जो गुरुसूत्र होगा, ट्रिक के साथ याद करो, हाँ 21 1 1 1 अंतिम में न होते मनी न होता, ठीक है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे 21 21 1 1 डाउन 9 21 डाउन 9 9, ठीक है साथ याद रखेंगे तभी याद होगा। तो इक्कीसवा गुणसूत्र जो होता है उसमें एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है, जैसे इक्कीसवा नंबर लिखा ना तो जैसे दुगा है ना तो एक और आके मेरे जुड़ जाता है, तो 46 की जगह कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टर्नर सिंड्रोम, देखो ये केवल स्त्रियों में होता है, टर्नर क्या होती है, टर्नर गुर्रा के ताकती है ना, ताकती है गुर्ना के जैसे टर्नर, तो देखो टर्नर सिंड्रोम आ जाओ, पहले टर्नर सिंड्रोम आ जाओ, किसमें होता है, स्त्रियों में होता है, किसमें होता है, स्त्रियों में होता है, स्त्री कहो गई स्त्री हमें ट होता है, ये टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में होता है, टर्नर। अच्छा देखो इस रोग का खोज सबसे पहले जो किए थे हेनरी टर्नर ने, किसने किया था इसको, हेनरी टर्नर ने, सबको याद होना चाहिए, जो लोग नहीं लिखे होंगे लिख भी लेंगे, हेनरी टर्नर ने किया था, और उसने क्या कहा था, इसमें लिंग गुणसूत्र से एक गुणसूत्र समाप्त हो जाता है, लिंग गुणसूत्र से, लिंग गुणसूत्र से कम, अब सब में कम होगा, डाउन का मतलब बढ़ना बाकी सब कम। चलो स्त्रियों में जो आप अंतिम में देख रहे हैं, स्त्री में क्या एक सेक्स होता है ना, तो स्त्री का लिंग गुणसूत्र का मतलब क्या होता है, लिंग का मतलब क्या होता है, 4500 और 4600 होता है ना लिंग, तो माने लिंग गुणसूत्र
से एक एक्स का होता है कम हो जाता है, एक एक्स कम हो जाता है, एक एक्स कम हो जाता है। बड़ा गजन होता है स्त्रियों को, बड़ा गजन होता है स्त्रियों का जब ये रोग हो जाता है तो बड़ा 45 हो जाते हैं, और जब ये कम होगा तो भाई 46 तो कितना होता है 45। और इसमें होता क्या देख लेना, देख लो देख लो देख लो देख लो। पंडित जी पंडित जी देखिए क्या होता है, कहीं आप जांच करा लीजिए कहीं कम ना हो जाए। पहला बात है कि स्त्री कभी माँ बन ही नहीं सकती है, माँ कभी चाहे कितनों जनन कराओ रात दिन चाहे कुछ लगे माँ कभी नहीं बन सकती है, समझे। आ कद का हो जाएगा छोटा, ए भाई जगह कद छोटा भी जांच करा ली, कद का होता है छोटा तथा औस्तन विहीन हो जाती है। आई बाड़ा गजन बा, औस्तन विहीन औस्तन रहा ना करी ना रही तो बड़ा गजन है बा। दूध कैसे पिएगा, डिब्बा के दूध, डिब्बा के दूध, डिब्बा के दूध, डिब्बा के दूध, डिब्बा के दूध। चलिए याद हुआ टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में पाया जाता है जो लिंग गुण सूत्र होता है। अच्छा मान लो लिंगे गुण सूत्र गायब हो गया, ए भाई एक सेक्स होता ना जब वह गायब हो गई, जब लिंगे गायब हो गई, जब उनके लिंगे गायब हो गई तो कहाँ से गर्भ धारण करेंगे, कहाँ से जनन होगा, कहाँ से औस्तन का विकास होगा। औस्तन विहीन होती है, मरद का नष्टन उसका भी होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। केवल स्त्रियों में पाया जाता है, केवल किसमें पाया जाता है स्त्रियों में, ट ट ट स्त्री स्त्री ट, ये होता है आपका। अब आइए जल्दी से देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलिए हेनरिक हेनरिक क्लाइनफेल्टर ने किया था इसका खोज, डॉक्टर लगा दो। हाँ डॉक्टर हेनरी क्लाइनफेल्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखो ये भी बहुत यह रोग पुरुषों में पाया जाता है, और देखो ये पुरुष में पाया जाता है, किस में पुरुष में। देखो क्लाइनफेल्टर, देखो क्लाइनफेल्टर टर्नर, क्लाइनफेल्टर टर्नर, तो क्लाइनफेल्टर पुरुष का भी बड़ा होता है, पुरुष का भी बड़ा होता है, तो क्लाइनफेल्टर में देखो एक दो तीन चार पाँच पाँच छः अक्षर आया है, लेकिन स्त्री में दो तीनों को आया है, तो क्लाइनफेल्टर तो ही मनी होता, तो मनी होता टर्नर तो खाली स्त्री, टर्नर खाली स्त्री, टर्नर खाली स्त्री, कहेंगे छोटे क्लाइनफेल्टर क्लाइनफेल्टर क्लाइनफेल्टर, इनमें अधिक है बड़ा है तो पुरुष आता है, ठीक है। अब सुने इसमें इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में लिंग गुण सूत्र से एगो एक्स गुण सूत्र हट जाता है, लो ये मन योग जने बा कहा होता है भाई, हट हट जाता है कि बढ़ जाता है। हाँ छक्का होगा, अब क्या होगा वो छक्का होता है। चलिए ये लिंग गुण सूत्र है, लिंग गुण सूत्र जो होता है ना इसमें लिंग गुण सूत्र में एक एक्स बढ़ जाता है, एक एक्स क्या होता है बढ़ जाता है, एक एक्स बढ़ जाता है। तो बताइए अब 46 जब गुण सूत्र कितना जाएंगे 47, 46 के जब गुण सूत्र कितना हो गए 47। अब उसको होगा वो होगा कैसा कैसा कैसा, देखिए कैसा होगा, लक्षण देखिए क्या होगा। ए पी लो अब क्या पीनी है, चला जाओ। तो 46 जब कितना होता है 47 हो जाता है। अब सुनो ध्यान से, अब इसमें क्या होता है ना शरीर लंबा हो जाता है। देखो छक्का कभी भी ना आप जो देखते हैं सब वो सिक्सर किंग वाले जो छक्का आते हैं कोनो छोटा आपको दिखाई नहीं, सब लंबे लंबे दिखाई देंगे, बड़ा माने फायदा भाई गो समझ रहे ना, शरीर लंबा हो जाएगा, शरीर का हो जाता है इसका लंबा हो जाता है, पहला बात आपका है। और सुनो दूसरा ये होगा ब्रिसर छोटे छोटे होंगे, ये भाई हमने के ब्रिसर तो माने उकनी के मटर के दाना बराबर होंगे, ब्रिसर क्या होंगे आ जाके जांच करके आओ बताओ पता करो से आँखी से, ब्रिसर कैसे होंगे छोटे छोटे होंगे और माने अल्प विकसित होंगे, अल्प विकसित होंगे। और तो चाहते इससे रोग उत्पन्न होता है, समझे बात को। और क्या होगा मानसिक विकास कम होगा, मानसिक मानसिक विकास का होगा कम होगा, माँ दिमाग उसके पास नहीं होता, कहीं धके लहंगा में तोप लेती हैं सब मांग सकते हैं। औस्तन अब अल्प विकसित होंगे, अल्प विकसित होंगे, अल्प विकसित होंगे, लेकिन बड़ा कर लेती है एक केमिकल थी कहो के अल्प विकसित होंगे। चलिए समझ में आया का, अब आते हैं लास्ट इसमें आज का टॉपिक है जिसका नाम है एडवर्ड। अरे देखो एडवर्ड ये भी ट्रिक है, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। देखो ये आपको बताते हैं कि एडवर्ब सिंड्रोम में क्या होता है ना एक गुण सूत्र बढ़ जाता है। देखो एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ड और ए से एडवर्ब और ए से 18, ए से एडवर्ब ए से 18, ए से एडवर्ब ए से 18, यानी इसका मतलब होता है कि 18वां गुणसूत्र पर एक एक्स गुणसूत्र क्या होता है बढ़ जाता है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं ना कि 18वां बढ़ता है यार, एक गुणसूत्र क्या होता है बढ़ जाता है।
बढ़ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरीके से हम लोग एडवर्ड सिंड्रोम इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से आज पूरा हम लोग रोग की चर्चा किए, फटाफट क्वेश्चन लिखिए, कल लिख के लेकर आना आपको।